अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सही के बारे में बताने जा रहा हूँ। सही क्या होता है? सही जो हमारा सफ़ा और मरवा, सफ़ा की जो पहाड़ी होती है और मरवा की पहाड़ी, इसके दरमियान जो हम तवाफ़ करते हैं, सात चक्कर लगाते हैं, उसको हम सही बोलते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि आपको जो बाबुल फत है, जो बाबुल फत उसके करीब से ये आएंगे तो आपको ये एरिया करीब पड़ेगा सही करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ सामने बिल्कुल सफ़ा की पहाड़ी है जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सफ़ा पहाड़ी पर मौजूद हूँ। और इस इसकी नियत करने के लिए खाना काबा के हजर असवद जो है, हजर असवद की तरफ इशारा कर कर नियत करते हैं। वो आप ये जान सकते हैं, ग्रीन लाइट्स देख सकते हैं आप, तवाफ बिगन भी लिखा हुआ है LED पे, उसके नीचे एक ग्रीन कलर की लाइट है जहाँ से आप जान सकते हैं कि मैं सही जगह पर खड़ा हूँ। और इस तरफ इशारा करके नियत करते हैं और आप देख सकते हैं इसके बैक साइड पे जो है हमारे पास ये सफ़ा की पहाड़ी है, जो कि इन्होंने ग्लास बाउंड्री के पीछे रखी हुई है ताकि इसको कोई छू ना सके। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है, हज़ारों साल पुरानी ये पहाड़ी है जो कि अब तक मौजूद है और हम मुसलमानों का ईमान ताज़ा करती है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी बड़ी पहाड़ी है और इन्होंने माशाल्लाह बहुत सी मॉडिफिकेशन करके माशाल्लाह मस्जिद हरम को बहुत ही खूबसूरत बना लिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्लाह पाक ने लोगों को ये हिम्मत और सोच दी हुई है कि ये जो है मस्जिद हरम को मज़ीद वसी करते जा रहे हैं और ख़ूबसूरत बनाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे चार रास्ते हैं। आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे लोग जो हैं मरवा की तरफ जा रहे हैं, जबकि आप लेफ़्ट साइड से देख सकते हैं ये मरवा से चक्कर लगाने के बाद सफ़ा की तरफ वापस आ रहे हैं। और आप बीच में देख सकते हैं दो एंट्रेंस हैं, एक एंट्रेंस और एक रिटर्न एरिया है। यहाँ पे मोस्टली जो है व्हीलचेयर, जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए ये रास्ता बनाया गया। आप देख सकते हैं एक औरत बैठी हुई भी है व्हीलचेयर पर, ये व्हीलचेयर वालों के लिए रास्ता बनाया गया। राइट साइड जो है आपका जाने के लिए है, जबकि लेफ़्ट साइड जो है वापस आने के लिए है। राइट साइड से आप मरवा की तरफ जाते हैं, जबकि लेफ़्ट साइड से जो है आप सफ़ा की तरफ वापस आते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे हर रोज़ बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं उम्रे के लिए आते हैं। आपको मैं जो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ, और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत सारे एग्ज़िट डोर हैं, इनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, 14 से स्टार्ट होते हैं और अनटिल आपको दिखाऊंगा, और मुख्तलिफ एरिया की तरफ एग्ज़िट करते हैं। जबकि आप ये देख सकते हैं ग्रीन कलर की लाइट्स है, ग्रीन सतून है, इसके नीचे मर्द हजरात को इत्तदाल से दौड़ने का हुक्म है, जबकि औरतों को नॉर्मल रूटीन में जैसे वो चलती हैं वैसे ही चलने का हुक्म है। तो जब ये ख़त्म हो जाते हैं हम नॉर्मल कर लेते हैं अपने चलन को। एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये हमारे जो जाने के रास्ते में और वापस आने के रास्ते में दोनों पर आप देख सकते हैं लोग इत्तदाल से दौड़ रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं सही करने के दौरान बहुत सारे जमजम स्टेशन होते हैं जहाँ पर आप पानी पी सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं एक स्टेशन की क्लीनिंग चल रही है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं सफ़ा से जो मरवा की तरफ जो एग्ज़िट डोर हैं 22 पर इख्तिताम होते हैं, ख़त्म होते हैं। जी व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी मरवा की पहाड़ी है, लोग इस पर बैठे हुए हैं। और इधर का क्या हुक्म है कि क़िबला रुख होकर दोनों वाफिल पड़े जाते हैं और मगफरत की दुआएँ की जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें इंफॉर्मेशन